हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डियर माई MLSE कोचिंग। आज हम लोग एक बेसिक चीज़ देखेंगे इंग्लिश का, जो कि किसी भी स्पोकन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और बिना इस बेसिक चीज़ से आप आगे नहीं कर सकते हैं। तो आइए, एक स्पोकन के लिए तैयारी के लिए आपका बेसिक चीज़ क्या होना चाहिए आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, जो कि आता है पहला पॉइंट लेटर। आज हम लोग लेटर से शुरू करेंगे, लेटर LETER। एक और लेटर होता है LATER, उसका मतलब होता है बाद में। बट ये लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। क्या होता है? अक्षर ना। तो इसमें अक्षर क्या होता है? तो आज हम लोग एक जो इजीएस्ट फॉर्म जो होगा उसको हम लोग देखेंगे, जो कि किताबी लैंग्वेज से बिल्कुल हट करके होगा। तो ये होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पे जो यदि हम यू में कहें तो वाई ओ यू तीन लेटर से मिलकर बना है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं लेटर्स में? जैसे एग्जाम्पल्स में कहें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एच वाई एंड जेड। जेड को जा भी पढ़ते हैं या जी ना। इसको जे क्या पढ़ेंगे? जे। और इसको जेड या जा क्या पढ़ते हैं? जिया ना। तो ये क्या हुआ? ये सब लेटर हुआ। लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसके बाद जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि कहें तो अभी बोले थे यू आर क्या चीज? स्टूडेंट। यदि हम यू में देखें तो वाई ओ यू वाई। यदि हम एक अलग इसको करें तो ये क्या हो जाएगा? वाई, यानी कि ये क्या है? एक लेटर है। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो सेकंड पॉइंट आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड। वर्ड दैट मीन हिंदी में उसको क्या कहते हैं? शब्द। शब्द तो आपको पता होगा, शब्द दो अक्षरों से मिल करके या दो से अक्षरों से मिल करके जो एक उससे जो बना होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं ना। अक्षरों के समूह को कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स आर कॉल्ड
What? जैसे यदि हम कहें तो एक इंग्लिश, क्या चीज? इंग्लिश। इंग्लिश क्या क्या से मिलकर बना हुआ है? आई एन जी एल आई एस एच। इसमें कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर्स से मिलकर के क्या बना है? वर्ड बना है, शब्द बना है, या वर्ड ही कहें डब्ल्यू ओ आर डी। इसमें क्या हो गया? तो कितने लेटर्स हो गए? 4 लेटर्स हो गए। 4 लेटरों के समूह से ये क्या बना है? एक वर्ड बना है। अब आगे आते हैं, तीसरा होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस दैट मीन हिंदी क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य। जी हाँ, यानी कि इसको भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। क्या डेट में यदि हम चले तो कहें कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। यहां पे पूरा क्या हो गया? एक सेंटेंस हुआ, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। या कहें तो यू आर स्टूडेंट्स। क्या दैट मीन आई जो हो गया, आई यहां पे क्या हुआ? एक कह सकते हैं वर्ड कह सकते हैं इसको, आई को क्या कह सकते हैं? वर्ड कह सकते हैं। तो पूछिए कि सर यहाँ पे तो देखिए तो आई जो है एक लेटर ना है। जी हाँ, यदि हाँ लेटर है, बट इसका एक मीनिंगफुल आ रहा है आई। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, यानी कि मैं जो आ रहा है यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है। ए, ये यहाँ पे क्या है? वर्ड आ जा रहा है। ये क्या है? वर्ड। एम, ये तो भाई दू लेटर से मिलकर बना हुआ इसलिए वर्ड है ना। लेकिन ए यहाँ पे एक लेटर है ना, ये किसका काम कर रहा है? वर्ड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? और यदि इन सबों का कॉम्बिनेशन कर दें, एक सुटेबल कॉम्बिनेशन, एक सुटेबल कॉम्बिनेशन, तो उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि यदि हम वर्ड में चलते हैं तो वर्ड को ही हम लिखेंगे डब्ल्यू आर डी, बट डी ओ आर डब्ल्यू। देखिए तो वर्ड तो है ही है, एक में जो है ये भी इसमें भी है, लेकिन क्या एक वर्ड है? क्या वर्ड है? सूटेबल लेटर से मिलकर के नहीं ना बना हुआ है, इसलिए क्या है? वर्ड नहीं। इसमें यदि इसको इधर कर दें तो एक सेंटेंस कहलाएगा क्या? एक सूटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि कुछ सेंस निकलना चाहिए, कुछ उसका तथ्य होना चाहिए। क्या? तो इसमें जो आता है ये आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? ये क्या होता है? वर्ब। ये क्या होता है? वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? इसमें आते हैं तो यू, यू क्या हो गया? ये क्या हो गया? आर क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हाँ, एक्जिलरी भर। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो ये सब आपको हम समझ सकते हैं कि आपको भी समझ में आ चुका होगा ये तीनों बात, लेटर वर्ड एंड सेंटेंस। कंप्लीट, आगे बढ़े।
आज एकदम बेसिक क्लास रहेगा ये सब के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद जब सेंटेंस में चले थे तो वहाँ हमने कुछ सेंटेंस के नीचे दिखाया अभी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये सब क्या होता है जी? सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता। एक कर्ता किसे कहते हैं जी? व्हाट इज सब्जेक्ट? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? जैसे हम उदाहरण ले लें तो यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर गुड स्टूडेंट। यू जो आ रहा है इसी को सर सब्जेक्ट कह रहे हैं, सब्जेक्ट यही ना है। तो आखिरकार ये है क्या? तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सुनिएगा, जो किसी भी काम को कर रहा हो, जो किसी भी काम को कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता माने किसी भी काम को करने वाला। जैसे 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 ही हेल्प मी, वह मेरा मदद करता है। वह मेरा मदद करता है, कौन मदद करता है? वह मदद करता है। या फिर उसके बारे में बताया, यानी कि क्या है? यू आर अ गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट कौन है? यहाँ से प्रश्न से हम प्रश्नों से प्रश्न करके पूछ सकते हैं और सब्जेक्ट पता कर सकते हैं। यू आर अ गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट कौन है? तुम गुड स्टूडेंट हो, यानी कि गुड स्टूडेंट कौन है? तुम। सब्जेक्ट पहचानने आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। वर्ब का क्या होता है? क्रिया। क्रिया वर्ब का क्या होता है? क्रिया। तो एक वर्ब है क्या? तो ये एक एक्शन वर्ड कह सकते हैं जी। नाउन और प्रोनाउन का क्या बताएगा? एक्शन बताएगा। नाउन और प्रोनाउन का क्या बताएगा? एक्शन दैट मीन वहां पे जो कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, दैट मीन क्या हो जाएगा? वही उदाहरण लेते हैं, देखिएगा। यू, चलिए अच्छा यू हेल्प मी ले लिए, तुम मेरा मदद करते हो। क्या करते हो? मदद ना। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? मदद। क्या हो रहा है? मदद। यानी कि क्या हो गया? वर्ब इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। या चलिए, तो ये आपको आया समझ में वर्ब होता क्या है? आ गया। ये वर्ब जो है ये एक्चुअली आया कहाँ से है तो उसको देखते हैं, उसको देखते हैं सबसे पहले। यानी कि वर्ब दैट मीन क्या हो जाएगा? जो उस वाक्य में जो काम हो रहा है ना, जो कर्ता, जो कर्ता के लिए जो किया गया है, जो कर्ता कर रहा है उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जी जी जी, वेरी गुड। अब ये आया कहाँ से है तो सबसे पहले हम आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चीज? पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं? एनीवन? एनीवन? जी बोलिए। एनीवन? हाँ बोलिए। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच ना? ठीक है, बैठ जाइए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू एट पार्ट। क्या ग्रुप? एट ग्रुप्स। एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू
वर्क डूइंग अ सेंटेंस, डूइंग अ सेंटेंस ना, डूइंग अ सेंटेंस. देन ईच ग्रुप्स आर कॉल्ड, ईच ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच. कोई दिक्कत? तो ये एट ग्रुप होता क्या है जी? तो आप लोग जाने होंगे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. क्या पहला पहला क्या होता है? नाउन. दूसरा प्रोनाउन. तीसरा वर्ब. चौथा क्या चीज? एडवर्ब. पांचवा एडजेक्टिव. छठा प्री पोजिशन. सातवा कंजक्शन एंड अठवा क्या चीज? इंटरजेक्शन. इंटर हो गया ना. दैट मीन नाउन आखिर होता क्या है जी? तो डायरेक्ट इसको कह सकते हैं आप, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड नाउन. क्या ऑल नेमिंग वर्ड, चाहे जो कुछ भी आप नाउन यानी कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं जिसका नाम जानते हैं, जो चीज होता है वो क्या है? नाउन है. ये जो व्हाइट बोर्ड है वो क्या है? नाउन है. विद्यार्थी क्या है? नाउन है. स्कूल क्या है? नाउन है. कैमरा क्या है? नाउन है ना. तो ये सब क्या है? एक नाउन है. नाउन आप लोग सुने होंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन कितना टाइप्स होता है? फाइव टाइप्स होता है. पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसमें आप लोग चलिए नाउन को लेकर के आते हैं. नाउन क्या प्रकार का होता है? फाइव टाइप्स के ना. पहला होता है प्रॉपर. इसको है कि एक डिटेल से बताएंगे ठीक ना. आज बेसिक क्लास कुछ देख लीजिए. नाउन प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन एंड पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये ओल्ड क्लासिफिकेशन करना, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाउन. बताए थे पिछले क्लास में, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज काउंटेबल नाउन एंड थर्ड अनकाउंटेबल नाउन. तो इसमें हम लोग देखे थे सबसे पहले प्रॉपर नाउन में जिसमें क्या बोध हो, तो खास किसी व्यक्ति या खास नाम बोध हो, डायरेक्टली कह सकते हैं. तो खास नाउन का बोध हो, कैसा नाउन? खास नाउन या कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई जानवर के नाम हो या कोई जो कुछ भी है उसका एक खास नाम होना चाहिए, पार्टिकुलरली नाम होना चाहिए. उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन. क्या कहेंगे? प्रॉपर प्रॉपर नाउन. अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नेम बोध होना चाहिए उसका. जैसे यदि किन्हीं का नाम है कविता, क्या नाम है? कविता. लड़की ने का नाम है कविता. जो है लड़की का एक खास नाम बोध हुआ, लेकिन ये हम कविता है क्या जी? लड़की है. यदि हम लड़की कहें तो वहाँ पे क्या बोध हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा. जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति का बोध हो, हिंदी में कहें तो जातिवाचक संज्ञा. जाति का बोध हो जिसमें, वो कविता है क्या? लड़की. लड़की जात की से लड़की क्या हो गया? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा.
डिनोट है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा क्या है जी? जी हाँ, जहाँ पे थोड़ा कोलेक्टिव यानी कि भीड़ वगैरह का बोध हो, समूह का बोध हो, भीड़ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन। मार्केट, बाजार हो गया, मेला वगैरह हो गया, ये सब क्या है? कोलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। अब आगे आते हैं कि इसके बाद है मैटेरियल नाउन। क्या है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल क्या है? जिसे गिना नहीं जा सकता है, हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे गिना नहीं जा सकता है, केवल मापा या तौला जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे पानी, तेल, लोहा, सोना, ये सब क्या हो गया? मैटेरियल नाउन में आ गया। कहाँ में आ गया? मैटेरियल नाउन में आ गया। इसके बाद आता है एबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है? एबस्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है जी? भाव बोध हो, यानी कि उसका गुण, दोष, नेचर, ये सब का बोध हो। जैसे और ये क्या है? तो इसे आप गिन नहीं सकते हैं, माप या तौला नहीं जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है, फीलिंग महसूस हो। जैसे अच्छाई, जैसे अच्छाई, वह कितना अच्छा लड़का है, कह सकते हैं काकू 1 kg अच्छा लड़का है? कभी कह सकते हैं? नहीं। कभी कह सकते हैं कि 52 अच्छा लड़का है? अच्छा जो कितना किया, अच्छा काम किया, मतलब अच्छा काम वहाँ पे अच्छाई उसमें कितना है, ये गिना जा सकता है? काउंट किया जा सकता है? उसको तौलिएगा नहीं। तो ये किस में आ जाता है? एबस्ट्रैक्ट नाउन में। अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन इसको 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग कौन कौन थे जी? पहला जो था वो कहीं पे खास नाम बोध हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, यानी कि वो तो प्रॉपर नाउन रहेगा ही। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कौन क्लासिफिकेशन? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कई प्रकार होता है, 3। पहला प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन ही रहेगा। क्या प्रॉपर नाउन है? ठीक है, यहाँ देखिए है जी, है ना। चलिए इसके बाद कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को गिना जा सकता है ना? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंट किया जा सकता है ना? यानी कि इसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। यानी कि कॉमन नाउन लड़कियां यदि कहें तो आप सुने होंगे कि जो आज मैट्रिक का जो एग्जाम का जो रिजल्ट निकला, जो इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट निकला, उसमें इतना परसेंट लड़कियां पास हुई हैं। सुने हैं ना, इतना परसेंट लड़कियां सक्सेस हुई हैं, ये सब सुने होंगे। या फिर आप सुने होंगे कि भारत की जो जनसंख्या है, इसमें पूरे भारत की जनसंख्या में जो गर्ल्स यानी कि जो लड़कियां की जो अनुपात है वो कितना है बॉयज की अपेक्षा? क्या सुने हैं ना, यानी कि काउंट किया जा सकता है ना? चलिए और कलेक्टिव नाउन भीड़ वगैरह को भी काउंट किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? काउंट टेबल नाउन। हाँ, याद करने के लिए एक तरीका है, बताए थे हम कि क्या से है? सी से है। ये भी क्या से है? सी से। तो काउंटेबल भी क्या से है? सी से। आ गया, सी से है, सी से है, तो ये भी क्या से है? सी से है। अब देखिएगा ये है मैटेरियल नाउन। कहेंगे कि कितना पानी है, कै गो पानी है बताइएगा? दुकान में जाइए कि ना हमको 100 को तेल दीजिए तो देगा? लाजू तमार के घर है ना। चलिए तो मैटेरियल नाउन हो गया क्या? तो अब आता है एबस्ट्रैक्ट नाउन। एबस्ट्रैक्ट नाउन दैट मीन वहाँ पे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ठीक है ना, तो उसको काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन को डिफाइन यदि करें तो द नाउन विच इंडिकेट द पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जो खास नाम का बोध करता हो जी, काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड
काउंटेबल ना, अरे ऐसा संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंट अनकाउंटेबल नाउन। आ गया समझ में? आ गया, अब इसको मिटा सकते हैं। चलिए नाउन क्या हो गया, नाउन के बारे में हम चाहेंगे कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आ गया, अब आते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन सर्वनाम, हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है जी? संज्ञा के स्थान पर आने वाले। जी देखिए, तो एक सर्वनाम क्या है? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड एक ऐसा शब्द है, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। क्या यानी कि इसको डिफाइन यदि करें तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। एक प्रोनाउन एक शब्द है जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थानों पर। जैसे राम क्या है जी? क्या है? नाउन है। और नाउन में कौन नाउन है? प्रोपर नाउन, बट नाउन है ना, नाउन है। तो राम एक लड़का है ना, तो इसके लिए क्या होता है, ही? क्या होता है, ही? अब आते हैं जैसे, जैसे यदि हम कहें तो द बॉयज, द यानी कि लड़कों, कौन लड़के, वे लड़के ना, उनके लिए क्या हो जाएगा, दे का प्रयोग हो जाएगा। का हो जाएगा? दे का। यानी कि एग्जांपल में कहें तो ही, सी, दे, वी, ये सब सब क्या है, प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। जैसे आप लोग सुने होंगे यदि पर्सन में आते हैं तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी होता है ना, सेकंड में यू, थर्ड में ही, सी, ईट, नेम, फिर आता है दे आपका, क्या आता है, दे ना, या प्लुरल नेम। चलिए देखिए, तो आई क्या कहा जाता है, आई, माई, माइन, मी, आई, माई, माइन, मी। वी का वी, आवर, आवर्स, अस, यू का यू, योर, योर्स, यू, एंड ही का क्या जाता है, ही, हीज, हीज, हिम, ही, हीज, हीज, हिम। हर का, सी का क्या होता है, सी, हर, हर्स, हर, सी, हर, हर्स, हर, एंड ईट, 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 ईट्स ना, और एक नहीं होता है, दे, दे का क्या होता है, दे, दियर, दियर्स, देम, दे, दियर, दियर्स, देम। आया, हो गया। चलिए चलिए, हाँ भर्ब में अब आते हैं। क्या में आते हैं? भर्ब में आते हैं। तो भर्ब जो कि एक एक्शन वर्ड है, क्या है, तो भर्ब क्या है, तो भर्ब का यदि एग्जांपल लें तो टू बी, क्या चीज, टू बी में क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाएगा आपका इज, एम, वाज या वेयर,
ठीक है, हाँ आ सकता है। आर, चलिए उसको भी कर देते हैं। अब आता है टू, इसमें आ जाता है आपका क्या क्या आ जाता है, हैज या हैव या हैड, ठीक है ना। एक आता है टू डू, जिसमें आपका सब आ जाएगा, जितना एक्जिलरी वर्ब वो सब, सेल विल शुड वुड ये सब जो कुछ भी है ना सब आ जाता है इसमें आ जाएगा आपका। फिर जो भी वन भी टू भी थ्री ये सब करते हैं ना सब, कोई दिक्कत है। वर्ब को लेकर के चलेंगे, वर्ब जो कि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिना वर्ब का एक सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल है जी? वर्ब बिना सब्जेक्ट के हो सकता है बट बिना वर्ब का हो सकता है क्या? हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे गो, क्यों ची गो, तो गो मीन्स जाओ, क्या कह सकते हैं ना गो जाओ, बट यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? लेकिन वर्ब होना चाहिए। यदि हम ही कहते हैं वह एक सेंटेंस हुआ, ये सब्जेक्ट तो है बट सेंटेंस नहीं हुआ, तो एक सेंटेंस के लिए वर्ब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो वर्ब एक लंबा क्लास चलेगा और उसको आप जरूर देखिएगा। तो आज इतना ही पर रखते हैं और अगले क्लास में आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन बताया जाएगा, ठीक है। आप इतना नोट्स कर चुके होंगे तो आगे की क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। दैट थैंक्स।